ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵਖਰੀ ਤੁਰ ਐ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਤੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਨਪੁਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਆ ਜਾ ਪੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਡਿਸਪੇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਿਸਪੇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਡਿਸਪੇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗੋਲੂ ਰਾਣਾ ਮਲੋਏ ਤੋਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੇਤੂ ਗੜ ਮਾਜਰਾ ਮੰਨਾ ਚਜਾਨਗਰ ਜਗਤ ਬਠਿੰਡਾ ਸੌਰਾ ਫਰੀਦਗੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲਵੀ ਸ਼ਿਵਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜੀ ਜੋਲੀ ਰੋਪੜ ਜੱਸਾ ਬੜੌਦੀ ਸਾਹਿਲ ਕੁਰਾਲੀ ਜੋਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਡੋਲੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਡੋਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੱਸਾ ਪੈਂਤਪੁਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੱਸਾ ਪੈਂਤਪੁਰ ਰਣਜੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਬਣਮਾਜਰਾ ਜੇਤੂ ਬਣਮਾਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੁਗਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜਸਮੇਰ
स्पोर्ट्स क्लब वालों कमल शर्मा जी उन्हां दी मान सम्मान होना है। कमल शर्मा जी मेरा वीर जीतपुर वडवाजरा बारू बारी सिर अपने मान सम्मान प्राप्त करना। जसविंदर सिंह लाली प्रधान यूथ अकाली दल मोहाली मेरा वीर जेतू बड़माजरा मन्ना जजारनगर जगता बठिंडा सौरव फरीदकोट मेरा वीर लवी शिवम अंबरसर जोली रोपड़ छम्मा बड़ौदी साहिल कुराली ते मेरा वीर जोनी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हां दा मान सम्मान होया है दशमेश स्पोर्ट्स क्लब वालों जगतार सिंह की जगह पंजाब पुलिस से पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का। मेरा वीर बट्टी काला भी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीक वाह जी वाह सारे अपने ने बेदी साहब क्या हुआ था बेदी साहब का ही बहुत बहुत धन्यवाद वह भी पहुंच चुके हैं साढ़े दरमियान बेदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सोनी आ जा लो जी लाइटा भी चल चुकी ने बहुत बहुत धन्यवाद जुगला लाइट सर्विस बहुत ही बढ़िया ने जो लाइट की सर्विस है बहुत बहुत बढ़िया जुगला लाइट सर्विस। भाई संत भाई से पूछा टाइम कितना रह गया मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा देंगे अभी टाइम कितना रह गया और टाइम की पूछ रहे संत भाई से पूछा कितना टाइम लगेगा कुश्ती में। अमरजीत जी अपने मान सम्मान लेने अमरजीत जी जीत कर तो अपने मान सम्मान लेने संत गुरु साहब एक मिनट मिली लो चलती हुई उधर कुश्ती 25 मिनट का समय राजा पहलवान जी ने दिया। लो जी जनरेटर भी हाथी बच चुकी है दोबारा फिर जगह जग कम हो गया। सुनील सुनील इधर कमेटी सद आइयो साढ़े अमरजीत जी खोडा लाहौरा नगर है जिन्हों का रहायश जीरकपुर के जिन्हों का मान सम्मान किया जा रहा उधर 25 मिनट का समा समा हौली हौली खिसकता होया जल्दी हो कुश्ती मैदान एक पासे कमलजीत पहलवान डूमशेड़ी के दूजे पासे रकेश मारन इन्हों नौजवानों दरमियान जी कुश्ती चलती है। मेघना जी आज लो चलती हुई कुश्ती कमलजीत ते खली इन्हों पहलवाना दरमियान चलती हुई कुश्ती कहते दोनों पहलवाना मो सामने के गुण तुम्हें शरीर वाले सुभाग ने फकीर वाले बन गए ने हीरे यह खेड संसार दे बबू चाहो गुण तुम्हें शरीर में शिंगार दे किसी ने बनाया जा रहे डोले उत्ते वाजपेई पट्टी उत्ते मोरनी का पहला सिर वाजपेई कहने किसी पैरी पाई जुत्ती ते लिजार दे चामा नाल वेखो गुंद में शरीर नु शिंगार दे इह गुंद में शरीर दे मालक जेड़े मैदान दे मोहाली दा मान सम्मान होना है। मेरा वीर धूड़ा पैंतपुर तो बहुत लिखे मेरी आवाज सुनता होवे स्टेज ते आ जावे मेरा वीर पैंतपुर तो पैंतपुर तो मेरा वीर धूड़ा उन्हों का भी मान सम्मान होना है। दशमेश स्पोर्ट्स क्लब वालों बबू मोहाली का उन्हों का भी मान सम्मान हो रहा है। दशमेश स्पोर्ट्स क्लब मंगा चौधरी प्रमान अजय राणा तरन शर्मा जी
बाखूबी जो अगे अपनी सेवा निभा रहे हैं ते होर जिने भी क्लब के मैंबर ने इनाम वंट समारोह चल रही है। कमल के चाचा जी उन्हें बेनती को भी स्टेज लग गया जा गुरु जी बुला रहे हैं आपको कुलतार सिंह जी कुलतार सिंह जी स्टेज लागे पहुंचन जी कुलतार सिंह जी स्टेज के लागे आ जाने जी हम रणवीर जी याद कर रहे हैं रणवीर जी याद कर रहे हैं आगे जी ठीक है। और कमेटी आखते भी कुश्ती पहलवानों आर पर शुरू कर दौ कुश्ती कहते आर पर होनी चाहिए है पहली छिज है जेदे बड़ी माली की जी कुश्ती है आप तक रहे हैं ते कुश्ती भी कहते आर पर जी होनी चाहिए है भी नोट कर रहे पहलवान पर कहते मैदान में दोनों पहलवान एक पासे रिकेश ते दूजे पासे कमलजीत इन्ह पहलवाना दरमियान जी कुश्ती चल रही है। कमलजीत कहते इस वे आप वेख रहे जो समुद्र जी का द्वारा नौजवान है ते दूजे पासे राकेश पहलवान राकेश बारन जिन्हों लोग खाली आखते हैं मान सम्मान होया बहुत बहुत मैदान भी थोड़े सामने है कि सूरज भी अग बरसावे कुलतार सिंह जी उन्होंने ही मान सम्मान हो रहा है इस दशमेश स्पोर्ट्स क्लब वालों बहुत बहुत धन्यवाद कुलतार सिंह जी का सुरेंद्र सिंह जी मुंडी खैर ते साधु सिंह जी ढोडे माजरा प्लीज आवाज सुनते जीत्या जा सुरेंद्र सिंह जी मुंडी खैर ते साधु सिंह जी ढोडे माजरा प्लीज स्टेज ते आ जाओ गोगा जी कराली तो स्टेज ते आ जा प्लीज जी आवाज सुनते वीर ते स्टेज ते आ जाओ मंगी वीर वालों बेनती है इन्हें वीर प्लीज स्टेज ते आ जाओ अगर वीर आवाज सुनते प्लीज स्टेज ते आ जाओ उधर साडे विचकार बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत सरदार साहिब सिंह जी बडाली जिहड़े कि अकाली आगू ने साडे विचकार उचेचे तौर ते गुजरे हैं निघी जी नूं हार्दिक स्वागत बहुत ही सत्कारयोग सरदार साहिब सिंह जी बडाली सीनियर अकाली आगू साडे विचकार उचेचे तौर ते गुजरे हैं असीं निघी जी नूं आखदे हां हार्दिक स्वागत है बहुत ही सत्कारयोग सरदार साहिब सिंह जी बडाली सीनियर अकाली आगू साडे विचकार उचेचे तौर ते गुजरे हैं निघी जी नूं हार्दिक स्वागत अज्ज सतंगा दे विच पुज्जण ते असीं भरमा स्वागत करते हैं बहुत ही सत्कारयोग सरदार साहिब सिंह जी बडाली हो रहा एक बार फिर तो निघी जी नूं आखदे हैं साडे विचकार सरदार साहिब सिंह जी बडाली सीनियर अकाली आगू चेचे तौर से पुजे ने निघी जी नूं हार्दिक स्वागत एक बार फिर तो निघी जी नूं आखदे है बहुत ही सत्कारयोग सरदार साहिब सिंह जी बडाली उचेचे तौर से साडे विचकार पुजे ने निघी जी नूं हार्दिक स्वागत उन्हें तो कैसे जाना पड़ेगा गुरु जी वहां के लिए बद्दी से सवारी मिल जाएगी सीधी वहां बद्दी थोड़ा जाना पड़ेगा
फिर कैसे बस पकड़ो? यहाँ से सीधा ही पकड़ूंगा बस जाती है सीधी। और ऊना से कितने किलोमीटर पड़ेगा? ऊना से 500 किलोमीटर है, मेन रोड के ऊपर है। एक तो बिरजू के नाम बता रहे हो कि भैया बुरी की कुश्ती थाले पूछ लेने वाला 16 मिनट जो कुश्ती बीत गए ने, 16 मिनट का समा जो कुश्ती का बीत गया। इस कुश्ती का दोनों नौजवान आमो सामने ने कहते बराबर की जोड़ भावे फर्क पड़ाई हाले तक नहीं हुई, पर जे गल करिए मामा का जोर जरा पूरा लग्या होया है, जान जी पूरी लगी हुई है इन्होंने नौजवानों की। एक पासे खाली गया तो दूजे पासे कमलजीत दोनों पहलवाना मो सामने ने कहना सोहनी खेड के मालिक खेड जब चंकी विखाते हैं। सैकड़ा नहीं हजार दिलों में डेरे लाते ने कि जिस मैदान में खेडन संदली पैड़ा पा जाते जिंद सवार मां प्यो पिंड का ना चमका जाते। वाकई मौसम कहते भावे चेंज हो गया, ठंड का जेड़ा मौसम आगाज हो गया कहते ठंड का, पर मुड़का जेड़ा आया हुआ इन्होंने नौजवानों ते कुश्ती भी मैदान ढकण योग है। उधर मंगा कहता भी कुश्ती आर पार चाहिए है, ता कहते अगली बार दर्शकों ने सहयोग देना शिंजले, कहते लोगों ने सहयोग देना, कहते कुश्ती आर पार चाहिए है। बाकी समय दल्ला होनी है कि ताकत भी है फकर भी है अपनी मेहनत पर, मगर मैदान जंग में कुछ मुकद्दर की बात होती है। एक गल मुकद्दर दिया उतो ही तहदों धनवाद करते हैं बिछना चौधरी जेडे कि बताओ स्टेज सैक्टर अपने सुभावान आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिछना चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलती हुई मैदान कुश्ती इन्होंने नौजवानों दरम्यान राकेश बारन से कमलजीत डूमछड़ी लो समा विवेक हौली हौली खिसकता होया, तो चलती हुई कुश्ती तकन योग है। चलती हुई कुश्ती इन नौजवानों दरम्यान एक बार फिर तो तैयार धनवाद करते हैं। सरदार साहब सिंह जी बडाली हो गए अकाली आगू साढ़े विचार उचेचे तौर पर पुज गए ने निगी जेल हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सत्कारयोग सरदार साहब सिंह जी बडाली और अच्छी भोजन से भरमा स्वागत करते हैं। मैदान अंदर चलती हुई कुश्ती एक पासे खली ते दूजे पासे कमलजीत, वाकई वेखते कि नौजवान कि फरदा है, ये तो गल समय की हो जानी है। कहता जब गभरू के पट भिड़ते हैं हर थान से चर्चे छिड़ते हैं, फिर लुट भी गल्ला करते ने कुश्ती ते लुट भी वरते ने, पंजे दे विच 500 मारने ढेली खुटी दा सुखिया बजर तारिया जद कोई घुलता मन चोटी दा। बजदी हुई धौणा वक्त कहते खली दे हाथ भी बड़े भरे ने, जो कहते धौण बजदी खड़का होंदा वक्त सट भी लगती होनी है, कहते 10 किलो तो हैमर जी की सट होनी है खली दे हाथ की। वाकई जान बड़ी मनी गई है इस नौजवान के, दूजे पासे कमलजीत भी सिरे का पहलवान है, सिरे का चोटी का पहलवान है। मैदान चलती हुई कुश्ती इन्हां गभरुआं के दरम्यान कदे ओह लगन की कोशिश करता है, कदे ओह फड़न की कोशिश करता है। वाकई मैदान एक पासे कमलजीत ते दूजे पासे ए मारनिया राकेश कुश्ती चलती हुई मैदान तकन योग है, तकन योग है कुश्ती। कहिंदा
सुखी लिखदा बिच ककराली मल ढाने किड़े सिखाली नाल बेगाने पिड़ना हो चाहिदा बंदा दिले जिहा जे करनी हो कुश्ती दिल चाहिदा बबर शेर जिहा बबर शेर जिहा जिगड़ा चाहिदा बबर शेर जिहा जिगड़ा चाहिदा उधर राजा भी आखदा कहिंदा खुले हाथ नहीं मारदे उंज कहिंदे ढाउण जिनी मर्जी खिंचाई जिनी मर्जी कर लियो खुला हाथ नहीं मारना खुला हाथ नहीं मारना चलती हुई कुश्ती इन्हां नौजवानां दरमियान मैदान दे विच ते साडे दरमियान साहब सिंह जी बड़ाली साहब सीनियर अकाली आगू वह पहुंच चुके हैं स्टेज ते बहुत बहुत धन्यवाद जसमेर स्पोर्ट्स क्लब वालों निघा स्वागत जी कहने स्टेज के खब्बे पासे ट्रैली दे विच काफ़ी देर तो भंडारा भी चल रहा है भंडारा दोपहर 12 बजे तक चल रहा है मेरे वीर हुण तक जिहड़े मेरे वीर ने भंडारा छकना हो हुण भी लंगर चल रहा है जी जिन्हें लंगर छकना हो लंगर छक सकते हैं स्टेज के खब्बे पासे ट्रैली दे विच मारो मार लंगर चल रहा है कहिंदा बंदा नहीं हो विच बंदिया शामिल कि बंदा नहीं हो विच बंदिया शामिल जिहड़ा अंदरों होर कोई बाहरों होर होवे उहने विच मैदान ने की करना पहलवान जुमित दा चिर होवे कखा वांगरा पैरां च रोले उही जिहड़ा बंदे तों बंदा कमजोर होवे सदा उसे दा साथ देण लोकी विच बाहां दे दिया जोर होवे कि तकड़े रोज तरन धौण ते गुंडा माड़ा मार नहीं रोटी जर सकता विच पहलवान दी दात कुदरती हर कोई बंदा पहलवानी नहीं कर सकता हर कोई पहलवानी नहीं कर सकता उधर बिशना जी साडे बिशना चौधरी स्टेज तो सवावा दे रहे हैं उन्हों का भी तह दिलों धन्यवाद करते हैं बहुत ही सत्कारयोग उधर मंगा चौधरी आखदा भी सारी कमेटी आखदी है कि कुश्ती आर पार होनी चाहिए है कुश्ती जी आर पार होनी चाहिए है समा भी कहते खिसकदा जा रहा है समा भी खिसकदा जा रहा है बहुत ही सत्कारयोग सरदार साहब सिंह जी बंडाली सीनियर अकाली आगू साढ़े उत्तर उचेची तौर पर पुजे ने असं उन्हों का भी तह दिलों धन्यवाद करते हैं उधर मंगा आखदा भी जो कुश्ती आर पार होगी अगले साल 2 लाख की माली करावे अगले साल जी 2 लाख की माली करावे लो मैदान वाकई टंग मारन की कोशिश कर रहे नौजवान वाकई चलती हुई कुश्ती इन्हें गभरुआ दरम्यान समा भी खिसकता जा रहा है समा भी खिसकता जा रहा है चलती हुई कुश्ती लो 2 मिनट राजा आखदा कि 25 मिनट होने 2 मिनट का समा बाकी है 2 मिनट का समा बाकी है कुश्ती कहते 25 मिनट का राजा 25-25-30 कर दी कहते पूरा अद्धा घंटा कुश्ती करा दी लो फिर तो 6 मिनट बाकी होने हैं 6 मिनट बाकी होने हैं लो 5 मिनट होर बढ़ाते एक बार तारियां जरूर ला दो होर बढ़ाते जेड़े 5 मिनट पाके तकरीबन 6 मिनट का समा बाकी होना है चलती हुई कुश्ती का वक्त दोनों वाल चोटी दे हैं देखते हैं जितता कौन है हरदा कौन है कहते बराबर की जोड़ मुश्किल जी हो जाता कई बार कम वाक्य सिंह कुंडिया के फस जाते हैं गोडी ला के वेखण वाली गल हो जाती है तो मैदान एक पासे रकेश वाक्य चोटी का मल है कहते रकेश मारन वाला और दूजे पासे कमलजीत भी घट नहीं है एक कमलजीत भी कहते चोटी का मल है पिछले साल कहते ट्रैक्टर से कुश्ती लड़िया भी नौजवान हिंदुस्तान का नामी पहलवान बबर शेर है तो कुश्ती मैदान चलती हुई इन्होंने नौजवानों दरम्यान कहना तड़के उठ के करता जो रोज मेहनत फिर हाँ जी हाँ करियो अब दोबारा फिर बेनती करा स्टेज के खब्बे पासे भंडारा चल रहा है आलू गोभी बिच गाजर की सब्जी घट तो घट भी देसी घी पूरा पाया होया है मखनी बहुत दूर तक खुशबू आ रही है मारो मार लगा चल रहा है देसी घी बिच पाया होया मखनी नाल है तो बेनती है बीज भंडारा जरा छकना भी छक सकता है पूरा मारो मार वखनी देसी घी बिच भी कहना सोनी खेल कहना तड़के उठ के करता जो रोज मेहनत आलू की होंगी समस्या है तड़के उठ के करता जो रोज मेहनत हल उसे होंगी समस्या है और चेहरे से कुदरती नूर आवे जिस मल गोटे कसया है
ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਰਨ ਦੁਬੇ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਤੁਰ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲਤਾੜੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਆਰ ਕੇਸ਼ ਮਾਰਨ ਲੋਕੀ ਖਲੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਲਜੀਤ। ਫੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਏ, ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਡਣੇ ਸੱਪ ਵਾਖਿਆ ਸਹੇ ਦਾ ਲੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨੱਕ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ ਫੜਨੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨੀ ਵਾਖਿਆ ਕਦੇ ਫੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਫੜਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੱਬ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੱਬ ਧਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਖਲੀ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, 28 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ 28 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, 28 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਘਰੋਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਫਕਰ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪਰ, ਕਿ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਫਕਰ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪਰ, ਮਗਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਮੇ ਕੁਛ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਲੜਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਨੋਂ ਗੱਭਰੂ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਫੜਿਆ ਰੱਖ ਫੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਦੀਆਂ ਰਕੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਲੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਲੀ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੇ 2 ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੱਭੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਕੇ ਕਰੀਮ ਲੱਭੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਸੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਡਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਓ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੰਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲੇ।